हजरत अब्बास इमाम हुसैन से मैदान में जाने की रुख्सत तलब करते हैं और फरमाते हैं कि आका, अब मुझसे बच्चों की प्यास बर्दाश्त नहीं हो सकती और खैमा गाह से अल अतश की सदाएं बुलंद हैं। हजरत अब्बास परेशान और मुस्तरिब हैं, बार बार अर्ज करते हैं कि मौला, अब तो लड़ने की इजाजत दे दीजिए ताकि दुश्मनान इस्लाम को बंदिशे आप का नतीजा दिखा सकूं। कदमों पे सर को रख के ये बोला वो महजबी, कब तक गुलाम सब्र करे या इमाम दीन, मुझको सुना सुना के ये कहते हैं अहले की, अब फातिमा के लाल का यावर कोई नहीं। आपने फरमाया, अब्बास तुम मेरे कुव्वत बाजू हो, मैं कैसे मैदान जंग में जाने की इजाजत दे दूं? भाई अगर तुम जाना ही चाहते हो जंग न करना, क्योंकि आप जानते थे कि अगर हजरत अब्बास लड़े तो जंग का नक्शा बदल जाएगा, हो सके तो इनके लिए पानी ले आओ। आपको इजाजत मिल गई। खैमे में दाखिल हुए, सबसे रुख्सत हुए, सबको तसल्ली दी, मैदान में तशरीफ लाते हैं, आसमान की तरफ देखा और कहा, माबूद तेरे नबी के बच्चों की खातिर थोड़ा सा पानी लेने जा रहा हूं, मेरे मालिक तू ऐसा इंतजाम कर दे कि मैं मशके सकीना को खैमे तक पहुंचा दूं। घोड़े को एड़ लगाई और नहरे अलकमी की जानिब अपनी रफ्तार तेज कर दी। आप जुल्फकार हैदरी इस तरह चला रहे थे, आई चमक के गोल पे जब सर गिरा गई, सैल आई जोर शोर से जब घर गिरा गई, एक एक कसर तन को जमीन पे गिरा गई, दम में जमी सफों को बराबर गिरा गई। आ पहुंचा उसके घाट पे जो मर के रह गया, दरिया लहू का तेख के पानी से बह गया, नहर पर आपका कब्जा है। ऐसे में नफ्स क्या चाहता है? कहते हैं, ऐ मेरे प्यासे नफ्स, ये कैसे मुमकिन है कि हुसैन और उनके बच्चे प्यासे हों और तू पानी पी ले? खुदा की कसम मैं सोच भी नहीं सकता कि पानी का एक कतरा भी पी लूं। आपके घोड़े ने भी मुंह मोड़ लिया और वो भी प्यासा रहा। अब्बास आबरू पे बड़ा हर्फ आएगा, पानी पिया तो नाम वफा डूब जाएगा। आप मुकाबला करते जाते थे और कहते थे कि मैं मौत से नहीं डरता जब तक जंग करते हुए तहे खाक न पहुंच जाऊं, मेरा नफस